अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपनी प्रोफाइल की ब्रांडिंग के अबाउट, किस तरह से प्रोफाइल पिक्चर को अच्छे तरीके से सेटअप करना है, डिज़ाइन करना है, एडिट करना है और किस तरह से कवर इमेज को डिज़ाइन करना है। तो ये दोनों काम आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखा। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ बेसिक सी प्रोफाइल पिक्चर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक वेबसाइट है कट आउट प्रो, राइट। इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि है पासपोर्ट फोटो मेकर, राइट। इस पर क्लिक करेंगे और अपनी इमेज जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे केस के अंदर ये हमारी इमेज है, सिंपल हमने ये अपलोड की। अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने कुछ इंटरफेस नज़र आ जाएगा। इसके अंदर हम ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस के अंदर मैं ये वाला साइज़ यूज़ करता हूँ, ये सेकंड वाला, क्योंकि ये जो है वो चारों साइडों से इक्वल है ऑलमोस्ट। तो ये करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा। अच्छा, ये मुझसे साइन इन मांग रहा है, तो सिंपल मैं इस पर साइन इन कर दूँगा। ओके, नाउ आई हैव टू क्लिक ओवर हेयर। ये जो भी आपको यहाँ से एड्रेस जो है वो पसंद आ रहा है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और सेटअप कर देना है। तो यहाँ से ये कुछ खासा अच्छा लग नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाला यूज़ करते हैं जो कि है ये। यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन ये भी कुछ बड़ा लग रहा है। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ अगेन, आई थिंक ब्लू वन। ओके, यहाँ पे देखें ये कुछ ही अच्छा लग रहा है कदरे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, या फिर ये वाला यूज़ करके देखते हैं। ओके, ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपल। यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो गया और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और पीएफपी मेकर इस वाली वेबसाइट पे चला जाऊंगा। इस वाली वेबसाइट पे जाने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे इस वेबसाइट को पे ये वाली इमेज जो है वो अपलोड कर दूंगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ये देखें जनरेटिंग प्रोफाइल फ़ोटोज़, ये अच्छे तरीके से इनको पिक्चर को एनालाइज करके एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर जनरेट कर देगा। यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोफाइल पिक्चर शो हो गई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा क्रिएटिवली निकाल लेता हूँ। लेट्स से ये काफ़ी अच्छी इमेज लग रही है, तो मैं इसको राउंडेड फॉर्म के अंदर इस तरह से डाउनलोड कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल है और यहाँ पे कुछ इस तरह से है, राइट। तो मुझे वो सही लगी, वो मैंने डाउनलोड कर ली। और उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके एडिट प्रोफाइल पर कर दूँगा क्लिक, और यहाँ पर हमारे पास ये इमेज है और अपनी जो इमेज हमने अभी डिज़ाइन की है उसको मैं यहाँ पे सेटअप कर लूँगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कितना बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है, जो हमारी पहले पिक्चर थी वो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से थी, और यहाँ पे हमारी जो फाइनल पिक्चर निकल के आएगी वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी कूल नज़र आएगी। तो मैं सिंपल इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से ये ऑप्शन चला गया, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे थोड़ी देर में खुद ब खुद अपेयर हो जाएगी, राइट। ये कि इस तरह से हमने कुछ प्रोफाइल पिक्चर डिज़ाइन कर ली। अब यहाँ पे हम ये कवर इमेज की बात करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे हम आ जाते हैं कैनवा पे, और यहाँ पे मैंने गूगल किया हुआ है कि पीपल पर आवर का जो कवर है उसका इमेज साइज़ क्या है, तो वो है 1400x570। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कस्टम साइज़ पर आता हूँ और यहाँ पर 1400x570 पे क्लिक ऐड करके और क्रिएट डिज़ाइन कर लेता हूँ। जैसे मैं क्रिएट डिज़ाइन कर लेता हूँ तो मेरे पास ये ब्लैंक कैनवस नज़र आ चुका है मेरे सामने, और यहाँ पे हमारे सामने कुछ इसी साइज़ के अंदर डिज़ाइंस नज़र आ जाएंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी अपने जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कॉपी राइटर हैं, जो कुछ भी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप वेब लिखेंगे, वेबसाइट या जो भी लिखेंगे, जो भी आपकी निश होगी उससे रेलिवेंट आप यहाँ पे इमेजेस ढूंढ सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे मुझे कोई इमेज नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसको अगेन वापस ले जाऊँगा और यहीं से कोई चूज़ करके
उसके अंदर पिक्चर वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी सारे यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे बिजनेस मार्केटिंग एजेंसी और इस तरह के काफ़ी सारे जो है वो टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, मिल जाएंगे। तो मेरे केस के अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई सिंपल सा ही चूज़ करता हूँ जो कि अच्छे तरीके से हमारी जो सर्विस है या वो है उसको डिस्क्राइब कर सके। ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, लेट्स से द डिज़ाइन, राइट। और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से सेटअप कर लेता हूँ, राइट। और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इनको भी डिलीट कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस के अंदर इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और मेरे सामने कुछ इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए इनको मैं रहने देता हूँ और इनको मैं क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मेरे केस के अंदर ये मेरा जो कवर इमेज है वो भी डाउनलोड हो चुका है और प्रोफाइल पिक्चर भी मैंने बहुत ही प्रोफेशनल अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर ली है। अब मैं इसको कवर इमेज को जो है वो चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मेरी कवर इमेज है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी कुछ इस तरह से। और मैं प्रोफाइल पिक्चर को भी यहाँ पे दोबारा भी ही ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर है, ओके। यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ओके। ये प्रोफाइल पिक्चर, ये दोनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं और मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रोफाइल पिक्चर और जो है कवर इमेज वो हमने अच्छे तरीके से डिज़ाइन की और सेटअप कर ली। यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो सबमिट हो चुकी है, मतलब जो आपने चेंजेस किए हैं वो सबमिट हो चुके हैं, वो चेंजेस अप्रूव होंगे तो आपकी प्रोफाइल पे वो चेंजेस शो हो जाएंगे। तो हमारे केस में चेंजेस हमारे प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज भी आपने सेटअप कर दिए, तो आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पर आपकी जो ये कवर इमेज और ये प्रोफाइल पिक्चर है ऑटोमेटिकली खुद ही अपडेट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो आई होप आपको समझ आएगी कि किस तरह से आप प्रोफाइल पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, प्रोफेशनल पिक्चर बना सकते हैं और अपना कवर इमेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं पीपल पर आवर के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग।